ओम शांति। 11 मई 2023 की साकार मधुर मुरली। प्यारे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर आपका फर्ज है अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताना। इसलिए उन्हें भी लायक बनाने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न, तुम किस रेस के आधार से शिवालय के मालिक बन जाएंगे? बाबा उत्तर देते, फॉलो फादर मदर। सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नरक से दिल हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहां तुम चैतन्य में राज्य करेंगे। धंधा दोरी करते बाप और स्वर्ग को याद करने से राजाई का तिलक मिल जाएगा, अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे। गीत है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। कुछ न कुछ कहना पड़ता है, ओम शांति ये हम यूज करते हैं ना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जब ग्रीट करते हैं तब वर्ड फॉर्म में, तो कहते कुछ न कुछ तो कहना पड़ता है। ओम शांति या शिवाय नमः, परमात्माय नमः कहते हैं ना, हम ओम शांति कहते हैं। ये है अपना और बाप का परिचय देना कि हम ओरिजिनली आत्मा शांत स्वरूप है। वह महिमा भक्त लोग करते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तुम तो बच्चे हो जिसकी महिमा भक्त लोग भक्ति मार्ग में करते हैं। आज वह बाप आपके सम्मुख बैठा हुआ है, जरूर सम्मुख था, अब फिर सम्मुख बैठे हुए हैं। ये बातें अभी तुम बच्चे ही जानते हो, भक्त नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि एक ही बाप है जिसकी महिमा हो रही है। वह बाप तुम बच्चों को कितना सुख दे रहे हैं, जो तुम फिर 21 जन्मों के लिए कभी दुखी नहीं होने वाले हो। ऐसे बाप के सम्मुख तुम बैठे हो। तुम जानते हो ये हमारा बेहद का बाप है, जो हमको स्वर्ग के सुख देने लिए सर्विस कर रहे हैं। बाप हमेशा बच्चों को रच कर उन्हों की सेवा कर लायक बनाते हैं। बाप जैसे कि बच्चों का गुलाम बन जाता है, लौकिक बाप भी बच्चों की पालना करने में कितनी मेहनत करते हैं ना। रात दिन ये चिंतन रहता है कि बच्चों की सेवा कर बच्चों को लायक बनाए। वह है हद की रचना के गुलाम, ये है बेहद का बाप। ये भी कहते हैं, बच्चे पूरा फॉलो करो और पूरा वर्षा लेकर स्वर्ग के मालिक बनो। बच्चों पर हमेशा रहम करना होता है। जो सेंसिबल बाप होगा वह कहेगा बच्चों को भी, क्यों ना साथ साथ ये सच्ची कमाई भी कराए। लौकिक बच्चों की स्थूल पालना तो आधा कल्प से करते हैं, बच्चों की पालना कर बड़ा बनाया, लायक बनाया, बच्चों के लिए विल किया, बस शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा जन्म लेंगे। वो हुआ हद का बाप, ये है फिर बेहद का बाप। वह हद का ब्रह्मा रचना रच फिर उनका गुलाम बनते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कहाँ बच्चे कुसंग में खराब न हो जाए, नाम बदनाम न करे। परंतु वो हो गया अल्पकाल का सुख, उन्हें ये पता नहीं बच्चा सपूत निकलेगा या कपूत। ऐसे कई कपूत निकलते हैं जो एकदम खाना खराब कर देते हैं, बाप की मिल्कियत को एकदम उड़ाकर चट कर देते हैं। इसलिए बड़ी संभाल करनी पड़ती है। बेहद के बाप को कितना फुरना रहता है, कहते हैं तुम भी वर्षा लो और अपनी रचना को भी वर्षा दो। परंतु फिर भी कपूत बच्चे होते हैं तो बाप का कहना नहीं मानते हैं। बाप कहते हैं पढ़ाई करो, तो पढ़ते नहीं, पवित्र नहीं बनते। कोई मुश्किल कोटों में कोई, कोई में भी कोई आज्ञाकारी निकलते हैं। यहाँ तो श्रीमत मिलती है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। ये तो एक की महिमा करते हैं ना हम, कहें हाँ जी बाबा। परंतु मनुष्य न जानने कारण
श्री कृष्ण के आगे, लक्ष्मी नारायण के आगे कहेंगे तुम मात पिता, ये भी अंधश्रद्धा है ना। अब लक्ष्मी नारायण वो तो खुद भी प्रलब्ध भोगते हैं ना, उनको अपने बच्चे हैं, हम उनको कैसे कहते हैं तुम मात पिता। वास्तव में ये महिमा तो एक की ही है, परमात्मा की ही है ना। गीत में सुना कि ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, सबका सदगति दाता, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। समझते भी है मात पिता से 21 जन्म के लिए सुख घनेरे मिलते हैं, परंतु ऐसी श्रीमत पर कोई मुश्किल चलता है, बहुत ऊंचा वरसा मिलता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्त लाया हूँ, जब श्रीमत पर चलो तब लायक बनो। कदम कदम पर मत लेनी है, मत पर नहीं चलते तो ऊंच पद पा न सके। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये किसको पता ही नहीं ना। आगे हम भी कहते थे फलाना स्वर्गवासी हुआ, अथवा सन्यासी कोई मरेंगे तो कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, परंतु जाता कोई नहीं है। जीवन मुक्ति व मुक्तिदाता एक ही बाप है, वह न आए तब तक कोई जा न सके। वह है निराकारी दुनिया, निराकारी बाप और निराकारी आत्माएं वहां रहती है, जिसको परम धाम भी कहा जाता है। साइंस घमंडी समझते हैं यहाँ ही जन्मते और मरते हैं, जैसे मच्छर। सृष्टि के चक्र का किसको भी पता ही नहीं, सर्वव्यापी के ज्ञान से कोई कुछ भी समझ न सके। अब तुमको बाप मिला है, कहते हैं बच्चे अब वापस चलो, मैं कल पहले मुआफिक सबको ले जाने आया हूं। तुम्हारी आत्मा में बहुत खाद पड़ी है, सबकी आत्मा तथा शरीर आयरन एजेड हो गए हैं, उनको फिर से सतोप्रधान बनना है। तुम बच्चों की आत्मा सतोप्रधान थी तब गोल्डन एजेड वर्ल्ड थी, पवित्र आत्मा का पवित्र सोने जैसा शरीर था, उसको सच्चा जेवर कहा जाता था। अब तो क्या हो गया है, 1% भी सच्चा सोना नहीं रहा है, खाद पड़ी हुई है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो तो सच्चा सोना बनते जाएंगे, आत्मा उड़ने लग जाएगी। अभी पंख टूटे हुए हैं, जैसे पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। कितनी ऊंची पढ़ाई है भगवान, आज मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम राजाओं का राजा बनेंगे, विकारी पुजारी राजाओं के भी पूज्य बनेंगे। गाया भी है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, तुम जानते हो हम सो पूज्य देवी देवता थे, फिर हम सो पूज्य चंद्रवंशी बने, हम सो पूज्य और पुजारी बनते हैं। बाप आकर पुजारी से पूज्य बना रहे हैं, बन रहे हैं ना सभी, दिल से कहे हाँ जी बाबा हम ही बने थे और बन रहे हैं। अब ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है, ब्रह्मा सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात अब पूरी होती है। रात कब से आरंभ होती है ये शास्त्रवादी तो नहीं जानते हैं ना। ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, द्वापर के आदि से रात शुरू होती है। अब सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है, अब 84 जन्म पूरे कर हम फिर से राज्य भाग्य भोगेंगे। सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा, वहां है प्रालब्ध, वहां भी तुम अपने बाप से वर्षा लेते हो, परंतु वह इस समय की प्रालब्ध है जो 21 जन्म चलती है। भारत पर ही सारा खेल है। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वह अभी आसुरी बना है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाप कहते हैं बच्चे हियर नो इविल सी नो इविल, बंदर का तो एक चित्र दिखाते हैं ना। इस समय मनुष्य बंदर मिसल बन पड़े हैं, इसलिए बंदर की शक्ल दिखाते हैं। बात तो इस समय की ही है ना। इसको कहा जाता है रौरव नरक,
बिच्छू टिंडन मिसल एक दो को काटते रहते हैं। बच्चे बाप का भी खून कर देते हैं। माया ने सबको डर्टी बना दिया है। भारत है विंथा अभेल है। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं। बाप कहते हैं मैं कितनी समझानी देता हूँ। कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट फादर। फादर सर्वेंट टीचर सर्वेंट, हाँ बाबा कहते हैं फादर सर्वेंट टीचर सर्वेंट गुरु सर्वेंट, तीनों ही जो रिश्ते उसमें बाबा ने सर्वेंट ऐड कर दिया। तो मैं आया हूँ। पंडे लोग भी यात्री के सर्वेंट होते हैं, रास्ता बताने वाले। अब मैं तुम बच्चों को स्वर्ग ले चलने लिए गाइड बना हूँ, लिबरेट करता हूँ। हिस्ट्री रिपीट जरूर होगी। ग्रंथ में भी कहते हैं कि है भी सत होसी भी सत एक ओमकार। ये परमात्मा की ही महिमा है। एक तरफ कहते हैं अजूनी, दूसरे तरफ कहते हैं सर्वव्यापी। जिधर देखता हूं तू ही तू। यहाँ हम आए हैं मौज करने, ऐसे बहुत ही कहते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे ये सब बातें तुम्हें डुबोने वाली है। सर्वव्यापी का ज्ञान डुबो देता है। बाप कितना समझाते हैं। कोई तो झट निश्चय करते हैं कि बाप से वर्षा लेना है। इन जैसा स्वीट फादर मिल नहीं सकता। स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है ना। जब बाप मिले तभी हम स्वर्ग के मालिक बने। ऐसे बाप को झट अपना बनाना चाहिए। मुझे तो बच्चे चाहिए जो कल पहले बने थे, वही आकर सपूत या कपूत बनेंगे। कल्प पहले मुआफिक। स्त्री की बच्चों की, हम बाबा कहते हैं स्त्री की बच्चों की जवाबदारी क्रिएटर बाप के ऊपर होती है ना। लौकिक पिता जिम्मेवार होता है स्त्री की और बच्चों की पालना के लिए। उनका फर्ज है बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाए। पहले तो अपने पर रहम करो। ऐसे नहीं कि बाबा कृपा करेंगे तब सब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ये बड़ा इम्तिहान है। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है, फिर 108 है, लॉटरी होती है ना। बाप कहते हैं देह सहित देह के संबंध जो कुछ है भूल जाओ। अपने को अशरीरी समझो और आत्मा निश्चय करो। ऐसे नहीं तुम परमात्मा हो। वह फिर आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। समझते हैं आत्मा जाकर परमात्मा में लीन होगी। जब तक लीन न हो तब तक उनको परमात्मा नहीं कहेंगे। परंतु परमात्मा में लीन होते नहीं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हर एक एक्टर को अपना पार्ट तो फिक्स मिला हुआ है ना, उसी हिसाब से तो पार्ट बजा रहे हैं, तो जो तो बजाना ही है। हर एक आत्मा में इमोर्टल पार्ट भरा हुआ है। इमोर्टल माना अविनाशी, विनाश नहीं होता है ना, चलते ही रहता है पार्ट। भले ही यहाँ से शरीर छोड़ देंगे परम धाम में जाएंगे, तो परम धाम से भी जब अपना समय होगा तब पार्ट बजाने आएंगे तो सही ना। तो ये बातें बाप के सिवाय कोई भी समझा ना सके। बाप आकर तुम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। चित्रों में देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में तीसरा नेत्र न है देवताओं को न शूद्रों को। तुम ब्राह्मणों को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र है, जिससे तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो। सचखंड और झूठखंड की हालत को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। ये है पाठशाला। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात नहीं है। अपना धंधा दोरी सब करते रहो। बाबा काम तो छुड़ाते नहीं है ना, क्योंकि आपको तो परिवार की भी पालना करनी है। तो अपना धंधा दोरी सब करते रहो। सिर्फ अपने बाप को और स्वर्ग को याद करो तो तुम्हारे ऊपर राजाई का तिलक आ जाएगा। कल्प पहले भी तुमने वर्षा लिया था, सूर्यवंशी राज्य किया था, फिर चंद्रवंशी में गए। कलाएं कमती होती जाती है, फिर वैश्य शूद्र बने। अब स्मृति आई है कि नाटक पूरा हुआ है। माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर न चले देह अभिमान आया तो लगी चोट।
फिर बृहस्पति की दशा बदलकर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। पार्वती दी तो रौरव नरकवासी बन जाते हैं। बाप कहते हैं ऊंच पद पाना है तो रेस करो। अभी ऊंच पद पाएंगे तो कल्प कल्प पाते रहेंगे। सिर्फ एक जन्म के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब नरक से दिल को हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं। यहाँ तुम चैतन्य देवताएं राज्य करेंगे, तो क्या शिवालय का मालिक बनने चाहते हो? फॉलो फादर मदर, जो कुछ है सब तुम बच्चों के लिए है। राजा भी तुम बनेंगे। तुम ही थे, अब रंक बने हो। और धर्म वालों की तो बात ही नहीं है, देवी देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, इसलिए हिंदू की संख्या कम हो गई है। क्योंकि खुद को देवी देवता थे ये भूल गए, हिंदू कहलाना शुरू किया और धर्म स्थापन हुए और कन्वर्जन बढ़ता गया। नहीं तो भारत की संख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। वैसे भी देखो तो अभी यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट के अनुसार भारत टॉप पे पहुंच गया है संख्या में, चाइना को क्रॉस कर दिया है। तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं, कितना ध्यान देना चाहिए। ये बड़ी वंडरफुल पढ़ाई है। बूढ़े बच्चे जवान सब पढ़ते हैं, बीमार भी पढ़ सकते हैं। अगर बाप और वर्से को याद न किया तो माया थप्पड़ मार देगी। ब्लड से लिख देना चाहिए, मैं रात दिन बाबा को याद करूंगा, डबल अंडरलाइन। शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा, अर्थात दिल से अपने अंदर ये एक्सेप्टेंस लाना है। जो बाबा कहेगा सो करूंगा। शिव बाबा कहते हैं बच्चों की संभाल करो। जो बच्चे है उनकी भी संभाल करो। जो बच्चे उसे दो मुट्ठी शिव बाबा की सर्विस में लगा दो। संभाल करके परिवार आदि चला के कुछ न कुछ तो बचता ही है, उस बचत में से थोड़ा सा शिव बाबा के कार्य में लगाएंगे तो भाग्य बनेगा। बाबा कहते तो दो मुट्ठी शिव बाबा की सर्विस में लगा दो, फिर उनका एवजा तुमको इतना मिलेगा जितना साहूकार का लाख देने से बनेगा। प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, देह तथा देह के सर्व संबंध भूल अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करना है। बाप से श्रीमत लेकर कदम कदम उस पर चलना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दृढ़ संकल्प करना है कि रात दिन एक बाबा को ही यह याद करे, अर्थात रात दिन एक बाबा की याद में ही रहूंगा और बाबा जो कहेंगे वह अवश्य करूंगा, डबल अंडरलाइन। ये दृढ़ संकल्प बार बार रिवाइज करे कि रात दिन एक बाबा की याद में रहूंगा और जो बाबा कहेंगे वो अवश्य करूंगा। हियर नो इविल सी नो इविल, डबल अंडरलाइन। आजकल जो सभी के हाथ में छोटी सी डब्बी आ गई है ना मोबाइल की, तो क्या कुछ नहीं देख लेते, क्या कुछ नहीं सुन लेते, क्या कुछ नहीं देख लेते, बाबा अटेंशन खिंचवा रहे। हियर नो इविल सी नो इविल, ना संगत के प्रभाव में आना है कुसंगत के, ना मोबाइल के भी ज्यादा डिस्टरबेंस में जाना है। मोबाइल हमारे लिए एक सेवा का साधन है और पुरुषार्थ का उपक्रम है। इतना अगर ध्यान में होगा ना तो फिर उसका एक्स्ट्रा यूसेज ही बंद हो जाएगा। आज का मीठा वरदान, एक क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। तो आज का सम्मान, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। विश्लेषण, सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई, कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्होंने स्वयं अनुभव करके ये महसूस किया है कि हम कल्प पहले वाली वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्होंने स्वयं को बाप क्षमा के पीछे फिदा किया है। वे चक्र लगाने वाले नहीं, परवाने बन फिदा होने वाले हैं।
फिदा होना अर्थात मर जाना, तो ऐसे जल मरने वाले परवाने होना। जलना ही बाप का बनना है, जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। स्लोगन, बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, शुभ दिवस। आज रात्रि 9:45 बजे अव्यक्त वाणी पर आधारित क्लास, कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30 और प्रातः मुरली क्लास 5:45 बजे। ओम शांति।